वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल। कैसे हो आप सब? आज हमारा 1 month चैलेंज का 5th डे है और मुझसे कल क्वेरीज आ रही थी, दी इसमें कैसे इनरोल होए, कैसे इसमें शामिल हो हम हो सकते हैं। तो ये हमारा कोई चार्ज नहीं होता, कोई कुछ नहीं होता, ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। इसमें हम सब ये कहते हैं कि आपस में जुड़िए और एक दूसरे को मोटिवेट कीजिए कि हम कर सकते हैं। 1 month चैलेंज इसीलिए मैंने स्टार्ट किया है ताकि हम एक दूसरे को पॉजिटिव रिस्पांस दे सके, मोटिवेट कर सके कि वेट कोई बड़ी बात नहीं है, हम वेट कम कर लेंगे। मैंने खुद से ना यही कहा था। देख सकते हो हल्का हल्का ब्लू स्काई होना शुरू हो गया है। मुझसे कई क्वेरीज आ रही थी कि दी आप अब कितनी वॉक करते हो और पहले कितनी की थी। पहले तो मैं सच बताऊँ, मैंने 20 किलोमीटर्स डेली मेरा टारगेट था कि मॉर्निंग, इवनिंग और नाइट तीनों को मिला के मेरा टारगेट 20 किलोमीटर का पूरा होना ही होना होता था। और अब जैसे मेरा वेट बहुत ज़्यादा कम हो चुका है, तो प्लीज़ मुझे बताना भी क्या मुझे वेट और लूज़ करना चाहिए या फिर मुझे बढ़ाना चाहिए। और उसके बाद मुझसे ये भी क्वेश्चन पूछा गया कि दी अब आप कितने स्टेप्स करते हो। तो अब मैं ज़्यादा स्टेप्स नहीं करती, मैं 10,000 या 15,000 स्टेप्स ही अब मैं करती हूँ ताकि मेरी बॉडी की जो कॉन्टिन्यूटी है, जो मैंने मॉर्निंग वॉक से अपनी आधे से ज़्यादा बीमारियाँ ख़त्म कर दी हैं, वो मुझे दोबारा ना आए। मतलब हमें अपने वेट को मेंटेन करने के लिए भी वॉक करनी चाहिए। मौसम आप देख सकते हो बहुत प्यारा हो रहा है, बहुत ज़्यादा। मैं इस पॉजिटिविटी के लिए भी उठती हूँ, आप लोगों के लिए तो मैं उठती हूँ। अब जो हमें ये मोटिवेशन मिलता है ना इस मौसम को देख के, फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई पेड नहीं करना, कोई कुछ नहीं करना। नेचर हमसे कुछ मांग थोड़ी रही है, नेचर तो हमें बस ये कहते हैं कि मेरे साथ कुछ टाइम स्पेंड कीजिए और मॉर्निंग में ना आपका भी फील करना। एक पॉजिटिव हवा चलती है बहुत ज़्यादा, जब जब से आप मॉर्निंग वॉक स्टार्ट की होगी, आपने खुद फील किया होगा कि बहुत अच्छा सुकून वाली शुरुआत होती है। और जब हम लेट उठते हैं तो ऐसे भाग दौड़ लगी हुई होती है, मतलब मैसी मैसी लगता है सब। तो जिस जिसने अभी भी अपनी वॉक स्टार्ट नहीं की है, प्लीज़ अपनी वॉक स्टार्ट कीजिए, हेल्दी खाना खाइए। ये छोटी छोटी चीज़ें ही आपने अपने अंदर चेंज करनी है। स्वीकार सर से मैंने ये सीखा कि 32 टाइम्स कैसे हमें खाना चबाना चाहिए, दिल से थैंक यू। तो कुछ चीज़ें मैं आपको सिखाऊंगी, कुछ चीज़ें आपको खुद करनी होगी। वॉक मैंने अपने आप से की, मेरे को बाहर की चीज़ें अगर सूट नहीं की तो वो चीज़ें मैंने खुद से की। ऐसे ही आपने देखना है कि आपकी बॉडी को क्या सूट करता है क्या नहीं। और जिसका वेट स्टक हो चुका है, मुझे बहुत सारी क्वेरीज आ रही हैं कि दी वेट स्टक के ऊपर भी एक वीडियो बनाइए, डेफिनेटली मैं पक्का बनाऊंगी। और PCOD की जो प्रॉब्लम के लिए मुझे बार बार बोला जा रहा था, मैंने PCOD के ऊपर एक वीडियो बनाई है, आई होप आप लोगों को पसंद आएगी। पसंद आए तो प्लीज़ लाइक और शेयर करदा कीजिए, मुझे मोटिवेशन मिलती है बहुत ज़्यादा। क्या मुझे कई क्वेरीज आ रही थी, दी आपको डर नहीं लगता, डॉग्स वगैरह होते हैं? सच बताऊँ, ये भी हमें पहचान लेते हैं, इनको जब पता होता है कि कुछ, ये भी हमें पहचान लेते हैं, इन्हें पता होता है कि ये हमें कुछ नहीं कहेंगे तो ये आपको हार्म नहीं करते। से हर कोई पूछता है कि दीप कौन से ऐप से हम स्टेप्स काउंट करें, तो मेरी ये फ्रेंड का फ़ोन है, मैं उसमें दिखाती हूँ। ये आप ग्रीन कलर का पेडोमीटर देख सकते हो, आपने ये अपना डाउनलोड कर लेना है। और जैसे मैं इस पर क्लिक करती हूँ, ये ऐसे आएगा। और जैसे इन्होंने अभी वॉक स्टार्ट की है और कल इन्होंने 8,178 स्टेप्स किए थे, ऐसे ही आपके काउंट होने शुरू हो जाते हैं। इसमें आप देख सकते हो कैलोरीज भी आपको शो होएगी और कितना टाइम आपने मूव किया है वो भी शो होएगा और कितने किलोमीटर से, ये भी आपको शो होएगा। तो जिन्होंने नहीं ये ऐप डाउनलोड की है वो लोग कर सकते हो, बहुत बेनिफिट होते हैं इसके। मोटिवेशन के ऊपर बात होती है, मेरी ये फ्रेंड है, वो आप देख सकते हो, वो थोड़ा सा कैमरे को लेकर शाई फील नहीं, उनका वेट 80+ है और उनकी छोटी सी एक गुड़िया है, पर वो फिर भी
मॉर्निंग वॉक के लिए मुझसे पहले उठ के वॉक कर रहे होते हैं, मुझे बहुत खुशी होती है। कहाँ ये 7-8 बजे उठते थे, पर अब ये इतनी जल्दी उठते हैं कि 4 बजे ये वॉक करनी स्टार्ट कर देते हैं। यही चीज़ आपने करनी है, अपने अंदर ये मोटिवेशन लेके आना है। मुझे बहुत खुशी होती है जब ये मुझे फ़ोन करके बोलते हैं कि सिमी मैं उठ गई हूँ। बहुत अच्छा लगता है कि ये पॉजिटिविटी तो आपको अपने अंदर लेके आनी है। तो मॉर्निंग में तो उठा आपसे आराम से जाएगा, बहुत ईजिली उठ सकते हो आप, पर ये मोटिवेशन तो आपको खुद में लेके आना है। और आज मैं स्टेयर्स का कर रही हूँ। वैसे मुझे डॉक्टर ने मना किया हुआ था, तो क्योंकि मेरे थोड़ा सा गोडे में चोट लग गई थी, मुझे 2 महीने के लिए मैंने बिल्कुल वॉक नहीं की थी, मैंने वॉक अब ही स्टार्ट की है। तो आप लोगों ने भी अगर कहीं पे आपको सीढ़ियाँ मिलती हैं तो स्टेयर्स को ज़रूर चढ़ा कीजिए। दिखती है ना, उन सीढ़ियों पे वॉक करनी स्टार्ट कर दो, चढ़ना उतरना शुरू कर दो। ऑफिस में हो तो ऑफिस में आपने यही यूज़ करना, लिफ्ट नहीं यूज़ करनी, आपने अपने स्टेप्स भी काउंट करने हैं और स्टेयर्स भी चढ़नी। सच बताऊँ, इस भाग दौड़ की ज़िंदगी में हम खुद को जो ये टाइम दे रहे हैं वो सबसे बेस्ट है। आपका टाइम जो आप अपने साथ स्पेंड करते हो वो टाइम सबसे ज़्यादा मैजिकल होता है, क्योंकि आप उस टाइम पे खुद पे वर्क करते हो। 5:40 हो चुके हैं और इस टाइम तो ऐसा होता है कि बस जल्दी जल्दी से अपनी वॉक कंप्लीट करें। तो अगर आपके पास टाइम होता है आप अपनी वॉक को रेगुलर भी कर सकते हो। एक मैं आपको जैसे घरेलू नुस्खे बताती हूँ ना, तो आप में से किसी को पता हो अगर ऐसे लिप्स पे पिंपल हो जाए तो उसकी अगर कोई रेमेडी हो किसी के पास प्लीज़ मुझे बताना, मुझे बोलने में भी थोड़ा दर्द फील हो रहा है। तो अगर कोई किसी के पास कोई घरेलू नुस्खा हो या कुछ हो आप लोग मुझे भी बता दीजिए। अब जल्दी जल्दी से अपनी वॉक ख़त्म करती हूँ, और क्योंकि आपको पता है हमें हेल्दी टिफ़िन भी बनाना है। आज थोड़ी सी मैंने फास्ट वॉक की है तो थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि मुझे सांस चढ़ रहे हैं, क्योंकि बहुत टाइम बाद मैंने तेज वॉक की है, बहुत टाइम बाद। अदरवाइज़ मैं स्लो वॉक ही कर। आप लोगों ने भी एकदम से तेज वॉक करनी शुरू नहीं कर देनी है। सुबह उठ के 1-2 राउंड तो बिल्कुल नॉर्मल ही आप कीजिए, बिल्कुल नॉर्मल। उसके बाद धीरे धीरे आपको अपनी स्पीड बढ़ानी है, धीरे धीरे ही आपको अपने स्टेप्स बढ़ाने हैं। अब जल्दी से घर चलते हैं, नहीं तो बहुत लेट हो जाते हैं। आज तो हमें सुबह सुबह सांप दिखा है। आप लोग भी ध्यान से वॉक कीजिए। अदरवाइज़ इतने टाइम से मैं वॉक कर रही थी, मुझे कभी नहीं दिखा, पर मेरी फ्रेंड को यहाँ से एकदम उसने बोला कि सिमी दिख सांप, पर मुझे नहीं दिखा। नहीं सर दिखा भाभी, अंदर बढ़ गए। बिल है वो, देखो यहाँ पे बिल है। हाँ देखा, अंदर बढ़ गया होना, यहाँ पे चला गया। हाँ वो अंदर बढ़ गया। आप लोग भी ध्यान से वॉक कीजिए। हाईवे पे करते हो तो बिल्कुल कॉर्नर में करना है या फिर किसी पार्क में करना है, और अगर आप ऐसे ओपन एरिया में करते हो तो भी आपको ध्यान से ही वॉक करनी है। हेल्दी टिफिन में है मिक्स वेज और चोरस परांठा, और फ्रूट्स में मैंने आज पम्पकिन सीड्स के साथ पपाया और एप्पल दिया है, और सब स्कूल में भी मैंने उसे मिक्स वेज दिए, साथ में बहुत सारे सैलेड, उसे बहुत पसंद है। और आज स्कूल में उसने बोला कि मम्मा ट्रायंगल परांठा ही मुझे देना, तो ट्रायंगल परांठा दिया है और साथ में सिंपल पानी की बोतल। और टिश्यू जरूर दिया कीजिए बच्चों को, क्योंकि स्कूल में कई बार होता है कि बच्चा हाथ नहीं धोता है। वैसे तो ये स्कूल में हाथ धोता ही है, लेकिन टिफिन पैक हो चुका है, बैग भी पूरा पैक हो चुका है, 6:40 हो चुके हैं। और आज हमारा 1 मंथ चैलेंज का 5th डे है। 7:30 हो चुके हैं, अराउंड 7:30 या 8 मेरा घर का सारा काम ख़त्म हो जाता है। मैंने अपनी एप्पल साइडर विनेगर जो मैं घर में रेडी की है आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ, उसके साथ भिगोए हुए बादाम। आज हमारा day 5 है। आप लोग पूरी साफ दिल से अगर ना पूरी साफ नीयत से अगर वेट लॉस जर्नी को कंटिन्यू करोगे तो देखना जो हमारा day 30th होगा तब आप खुद बोलोगे हमारा इतना वेट लूज़ हो गया। तो मैं इसके बाद मैं कभी आधा एक घंटे तक कुछ भी नहीं लेती हूँ, आप लोग भी मत लिया कीजिए, बेनिफिट्स हमारे डबल हो जाते हैं। और अराउंड 9:30 मैं कोई भी सैलेड लेती हूँ या फिर फ्रूट्स लेती हूँ।
घर के सारे काम फ्री हैं और मैं भी अब फ्री हूँ बिल्कुल। और नहाने से पहले और ब्रेकफास्ट से पहले मैं ये जरूर करती हूँ कि कोई ना कोई मैं फ्रूट्स जरूर लेती हूँ, और जिसमें आप देख सकते हो कि मैंने बहुत सारे क्वांटिटी में अच्छे खासे सीड्स यूज़ किए हैं। सीड्स ही मिक्स सीड्स मार्केट से मिल जाते हैं, बहुत हेल्दी होते हैं फ्रेंड्स। जो मैं सारा दिन इतनी एनर्जेटिक रहती हूँ, जो इतनी भाग दौड़ में वॉक भी कर लेती हूँ, आके बेटे का हेल्दी टिफिन भी कर लेती हूँ, ये छोटी छोटी आदतें मैंने चेंज कर दी है कि जो चाय बिस्किट होते थे, जो चाय के साथ मैं इतने रस खा लेती थी, बिस्किट खा लेती थी, नमकीन खा लेती थी, उन चीज़ों को मैंने बिल्कुल छोड़ दिया है। आप लोग भी बिल्कुल छोड़ दीजिए, और उसकी जगह मैं सीड्स लेती हूँ, फ्रूट्स लेती हूँ, और इन फ्रूट्स को भी मैं 32 टाइम्स अच्छी तरह से चबा चबा के ही खाती हूँ। 30 हो चुके हैं और आज मेरे ब्रेकफास्ट में है मिक्स वेज जो मैंने अपने बेटे के लिए बनाई थी, बहुत सारा सैलेड आप देख सकते हो, और मसाले वाली विदाउट सॉल्ट मेरी कर्ड है, ये मैं घर में ही जमाती हूँ। साथ में है मैजिकल रोटी, ये रोटी की रेसिपी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। फ्रेंड्स इतने अच्छे इंचेस लूज होते हैं ना इससे, बहुत ज़्यादा। और भी रोटी हैं जो मैंने अपनी वेट लॉस जर्नी में बहुत ज़्यादा खाई थी। आज बहुत टाइम के बाद मेरा दिल किया कि मैं मसाले वाली रोटी खाऊं, और ये मसाले वाली रोटी मैं बहुत जल्दी आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। अब मैं अपना ब्रेकफास्ट करती हूँ। तो बच चुके हैं और मेरे लंच में है कर्ड, और मेरा मसाला ख़त्म हो चुका है इसलिए मैंने प्लेन लिया है, साथ में थोड़े से राइस और सैलेड। मुझे ज़्यादा भूख नहीं है इसलिए मैं अभी थोड़ा ही लूँगी। मेरा लंच हो चुका है और लंच के एक घंटे बाद मैं, इस टाइम 3:30 हुए हैं, मैं अपना डिटॉक्स वाटर ले रही हूँ। इसकी रेमेडी मैं आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ, ये बिल्कुल अच्छी तरह रेडी हो जाता है तो ऐसे कलर चेंज कर देता है। अराउंड 4:30 आज मैं बनाना शेक ले रही हूँ, मैंने मॉर्निंग में नहीं लिया। 6:30 हो चुके हैं और आज से मैंने डिसाइड किया है कि मैं अपना डिनर बहुत जल्दी किया करूंगी। मैं पहले भी जब वेट लॉस जर्नी पे थी अपना डिनर बहुत जल्दी कर लेती थी। आप लोग भी कोशिश कीजिए, कम 3-4 घंटे पहले आपको अपना डिनर कर लेना है, और डिनर के आधे घंटे के बाद भी आपको वॉक करनी है। और आज मेरे डिनर में है, आप देख सकते हो, आधे से ज़्यादा प्लेट मेरी सैलेड से होती है, हमेशा होती है। आज मेरा थोड़ा सा अलग डिनर करने का मन कर रहा है, मुझे सब्जी वगैरह का बिल्कुल दिल नहीं कर रहा, तो आज मैंने थोड़ा सा चीट मील किया है। आज मैंने ज़रा सा अचार लिया है और ये मैजिकल रोटी। मैंने कॉन्स्टिपेशन हो, शुगर हो या थायराइड, अगर आपको मैजिकल रोटी की रेसिपी चाहिए हो तो, और मैं सॉल्ट फ्री की भी रेसिपी आपके साथ शेयर करूंगी। मेरा डिनर हो चुका है, 6:30 आज मैंने अपना डिनर कर लिया था और 8 बज चुके हैं। मैं अपना लास्ट ड्रिंक ले रही हूँ, ये सिंपल दूध है, इसमें कोई शुगर वगैरह मैं ऐड नहीं करती। मैंने अपनी पूरी वेट लॉस जर्नी में मिल्क भी लिया है। कई लोग सोचते हैं कि मिल्क नहीं पीना चाहिए, फैट बढ़ता है, नहीं ऐसा कुछ भी नहीं होता, मीठा दूध पीने से फैट बढ़ता है, तो आपने मीठा नहीं पीना, आप फीका दूध पीजिए, या फिर फीके दूध में आप हल्दी भी डाल के पी सकते हो, बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं उसके। और इसके थोड़े टाइम बाद मैं वॉक पे जाऊँगी। रात को खाना खाने के बाद भी आपको ज़रूर डेली 1000 या 2000 स्टेप्स करने हैं, बहुत अच्छे रिजल्ट्स आते हैं। गुड नाइट ऑल। डिनर के बाद भी आपको वॉक जरूर करनी है। आज मैंने डिनर जल्दी कर लिया था, हमारा 5th डे भी कंप्लीट हो चुका है। गुड नाइट ऑल। गुड नाइट ऑल, हैव ए नाइस डे।